और दोस्तों कुमकुम भाग्य का आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों यहां पर मीका नाराज होती हुई नजर आ रही है कि ऐसे कैसे जा सकता है आखिरकार रणबीर मेरे को छोड़कर। हालांकि दोस्तों अक्षय की बात बिल्कुल ठीक है कि रणबीर को वाकई में अपने घर बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन मीका ने बोल दिया है कि मैं रणबीर के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और आप लोग जानते ही हैं कि मीका के सिर पर इस समय पूरी तरीके से इक्स का पागलपन सवार है, वो कुछ भी ही कर सकती है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पल्लवी ने साफ साफ बोला है रणबीर से कि रणबीर अब तो तुम्हें तुम्हारी बेटी खुशी भी मिल चुकी है और अब तुम्हारा फर्ज भी ये बनता है कि तुम सीधा सीधा यहाँ से और घर की तरफ चलो, क्योंकि वो घर भी सूना है और वो घर भी तुम्हारा इंतजार देख रहा है। हालांकि दोस्तों प्राची की बात की जाए तो प्राची का दिल दुखता हुआ भी नज़र आ रहा है, क्योंकि प्राची नहीं चाहती कि किसी भी तरीका से अब रणबीर उनके पास से जाए भी। आप लोग जानते हैं कि कहानी एक नहीं बल्कि समय कई मुद्दों में बेहद ज़्यादा खास और बेहद ज़्यादा अलग देखने को मिल रही है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये एक बेहद बड़ी रियलिटी है, बेहद बड़ा सच है। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर रणबीर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बोलता हुआ नज़र आ रहा है प्राची से कि प्राची जब जब तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी ये मत सोचना कि तुम अकेली हो, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं था, साथ हूँ और हमेशा रहूँगा। और यही बात इस समय प्राची को सबसे अच्छी लग रही है। प्राची को पता है कि रणबीर वाकई में जान दे देगा मेरे लिए, और प्राची को सबसे अच्छी चीज़ ये लग रही थी रणबीर से कि रणबीर के होते हुए अक्षय उसका फ़ायदा नहीं उठा सकता प्राची का, क्योंकि दोस्तों अब अक्षय लगातार अटेम्प्ट करेगा, कोशिश करेगा कि किसी भी तरीका से फ़ायदा उठाया जाए, और उस फायदे को उठाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि कहानी एक नहीं बल्कि समय कई और भी टूट आते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नगर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताइएगा।